मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार देर रात उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। इसके साथ ही सभी के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार की रात 12 बजे उज्जैन पहुंचे। सीएम इसके बाद सीधा देवास गेट बस स्टैंड पहुंचकर फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल वितरित करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। अभी जो लोग फुटपाथ पर सो रहे थे उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कंबल वितरित करवा दिए हैं। आगे से सभी की व्यवस्था रेन बसेरे में हो ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। देखो, मैं आज सुबह दिल्ली था, माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ हम हरिद्वार गए। हरिद्वार के बाद देहरादून से इंदौर होते हुए मैं अभी उज्जैन आया हूँ, और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने आगामी 2028 के कुंभ मेले के लिए भी साधु संतों को आमंत्रण दिया है और उनसे कहा कि आप उज्जैन आइए, उज्जैन को हम आपकी आगामी सिंहस्थ बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर हम आगे चल रहे हैं, नई सरकार नई गठन के साथ पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को आगे बढ़ाते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी रात के समय चूँकि ठंड का माहौल है, ठंड का प्रकोप है, ऐसे में गरीब भाई बहन अगर फुटपाथ पर सोए हुए हैं तो थोड़ी सी उनकी मदद हो जाए, और कोशिश करेंगे सबको रेन बसेरे की व्यवस्था कराएं आने वाले समय में। जो कितने भी ठंड का कपड़े हो अगर खुले में है तो कष्ट है, लेकिन आज एकदम रात में उठा के भेजना तो ठीक नहीं है, लेकिन आगे समय में प्रयास करेंगे कि ये बजाय फुटपाथ पे सोने के अपने अपने रेन बसेरे में सोए। जो शासन की व्यवस्था है, मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के भी काम को इसी प्रकार से चलाता रहूँगा। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के उज्जैन पहुँचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ स्थानीय विधायक, प्रशासन, पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर मोहन यादव सीधे देवास गेट बस स्टैंड पहुंचे। या उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ महापर्व की तैयारी अभी से कर दी गई है। उन्होंने हरिद्वार में साधु संतों को सिंहस्थ को लेकर आमंत्रित भी किया है। शिवराज का नाम लेना नहीं भूले मोहन यादव। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि साधु संत सरकार के साथ मिलकर सिंहस्थ के और अधिक विस्तार की दिशा में मार्गदर्शन दे। उन्होंने कहा कि साधु संतों का भी पूरा आशीर्वाद सरकार को मिल रहा है। साधु संतों ने उज्जैन आने की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को आगे बढ़ाने में उनकी सरकार पूरी तन्मयता के साथ जुटी है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गृह जिले में भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम मीडिया के समक्ष बड़ी मजबूती के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।